नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वुमन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स के बारे में है। जीएस पेपर वन के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारे देश में शादी यानी मैरिज वुमन के लिए करियर स्टॉपर का काम करता है। बहुत बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग मैरिज के लिए प्री कंडीशन यही रखते हैं कि महिला शादी के बाद काम नहीं करेगी बाहर। चीजें देखो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से होनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2017-2018 का ये डेटा है। वुमन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में सिर्फ 24% है। और चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, तेजी से ग्रो कर रही है, उसी हिसाब से वुमन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। और ये तब है जबकि हायर एजुकेशन में गर्ल्स का इनरोलमेंट रेशो बढ़ा है। 2007 में हायर एजुकेशन में गर्ल्स का इनरोलमेंट रेशो था 39%, जो कि बढ़ के 2014 में हो गया 46%। आखिरकार फिर वुमन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो क्यों कम हो रहा है? देखो, एक पर्टिकुलर समय है, मैं आपको हायरार्की की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे नीचे जूनियर पर्सनल, उसके बाद मिड मैनेजमेंट और सबसे ऊपर हायर मैनेजमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, बीच में आप दूसरी पोस्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल को समझने के लिए पिक्चर सिंपल ही रखते हैं। देखो, ये जो लेवल होता है जूनियर लेवल से प्रमोशन होना मिड मैनेजमेंट लेवल में, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वुमन फोर्स का ड्रॉप ऑफ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी समय पर ज़्यादातर महिलाओं की शादी होती है। हमारे इंडिया में 50% महिलाएँ ऐसी हैं जो कि शादी के बाद काम करना कम कर देती हैं, इसी लेवल पर, जूनियर लेवल से मिड मैनेजमेंट लेवल के बीच, जबकि दूसरे एशियन इकोनॉमीज में परसेंटेज सिर्फ 29% है। और देखो, एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो फेनोमेनन है कि महिलाएं शादी के बाद काम करना छोड़ देती हैं, ये फेनोमेनन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हायर इनकम डेमोग्राफीज में। वो फैमिलीज जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, रिच फैमिलीज, उन परिवारों में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि महिलाएं शादी के बाद काम करना छोड़ देती हैं, यानी करियर के बजाय फैमिली को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं वहाँ पर सोशल स्टिग्मा है, वो पीछे छूट जाता है, इकोनॉमिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाएं शादी के बाद भी काम करना जारी रखती हैं। वैसे दूसरे फैक्टर्स ये भी होते हैं, चाइल्ड बर्थ और बूढ़े माँ बाप की केयर करना, ये फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने में कि महिला शादी के बाद काम करेंगी या फिर नहीं। अगर देखो वुमन का मैन के समान लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है तो हमारे देश की जीडीपी को 27% तक बूस्ट किया जा सकता है। चलो, ये तो हमने बात की मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या बेनिफिट हैं, इवन फैमिली लेवल पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर देखो महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो परिवार में जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाती है, असल में इक्वलिटी आती है, सशक्तिकरण होता है। ऐसे परिवारों को गरीबी का मुंह नहीं देखने को मिलता, और चिल्ड्रन की एजुकेशन पे भी अच्छे से फोकस किया जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं देखने को मिलता। बहुत सारे फायदे होते हैं अगर वुमन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है तो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स के बारे में। अगर यूपीएससी देखो ये पूछ लेती हैं कि हमारी इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही है लेकिन वुमन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में क्यों घट रहा है, तो आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे? कुछ पॉइंट्स तो देखो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए ही। एक तो स्टिग्मा अटैच है, शादी के बाद महिलाएं काम नहीं करती, और इस पॉइंट को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। दूसरे रीजंस की हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो जॉब्स काफ़ी कम हो रही हैं। पहले महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर लेती थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अब आप कह सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब बहुत कम हो चुकी है, एक ये भी रीज़न है। दूसरा, नेचर ऑफ जॉब्स भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स उपलब्ध हैं, और महिलाएं काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्पेशलाइज स्किल्स हासिल नहीं कर पाती, तो इस तरफ सरकार अभी फोकस कर रही है कि जिस प्रकार की स्किल्स की डिमांड अब ज़्यादा है, महिलाओं को
उस प्रकार की स्किल्स दी जाएं जो वोकेशनल कोर्सेज सरकार चलाती हैं, उन वोकेशनल कोर्सेज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया जाए और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से महिलाएं स्किल्स हासिल कर सकें। वैसे आप एक और चीज़ को भी कोट कर सकते हो, फेमिनाइजेशन यू हाइपोथीसिस। इसमें क्या होता है, फेमिनाइजेशन यू हाइपोथीसिस के अनुसार जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है उस देश में फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में पहले डिक्लाइन होता है, यू शेप में जाता है, पहले डिक्लाइन होता है उसके बाद बढ़ता है, और इंडिया अब फेमिनाइजेशन यू हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा है। ये मेन पॉइंट्स हैं, वैसे पेरिफेरल पॉइंट्स आप काफ़ी लिख सकते हो छोटे छोटे, जैसे काफ़ी बार ये देखने को मिलता है शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, सिक्योरिटी की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, आप लिखने के लिए लिख सकते हो। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।